प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हिंदी की पुस्तक दूरवा का तीसरा पाठ लेकर आया हूँ, घर। आइए आज के इस वीडियो में आप लोगों को शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इसके बारे में समझाते हैं। तो अपनी बुक उठाइए और रेडी हो जाइए पाठ को पढ़ने के लिए। पहला शब्द है ऊन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? ऊ न ऊन, या ऐसे भी हो सकता है बड़ा ऊ न ऊन। दूसरा शब्द गाय। गा पर आ की मात्रा ग य, गाय। तीसरा शब्द तराजू। त रा पर आ की मात्रा रा, जा पर बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू। अगला घर। घ र घर। नेक्स्ट वर्ड पान। पा पर आ की मात्रा प न पान। अगला है हल। ह ल हल। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पहचानो और बोलो। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे ऊन, ऊ न ऊन। गमला। ग म ला पर आ की मात्रा ला, गमला। इस तरीके से आप अन्य शब्दों का भी प्रोनाउंसिएशन का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सुनो और पढ़ो। पहला शब्द जैसे बड़ा ऊ न ऊन, या ऊ न ऊन, जून। अगला शब्द जा पर बड़े ऊ की मात्रा जू न जून। जा पर बड़े ऊ की मात्रा जू, ता पर आ की मात्रा ता, जूता। गीता। गा पर बड़ी ई की मात्रा गी, ता पर आ की मात्रा ता, गीता। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप अपनी पुस्तक उठाइए और कॉपी कलम उठाइए और देख करके आप आराम से इन शब्दों को, अक्षरों को लिखने का अभ्यास कीजिए। अगला क्वेश्चन, रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान कीजिए। पहला है कबूतर। कबूतर के जगह पे कबूतर को मिला देना है। दूसरा शब्द पपीता। पपीता के सामने पपीता को मिलाना है। तालाब। पहला चित्र तालाब का है, तालाब के सामने तालाब को। पालकी, ऊपर से दूसरे नंबर पे उसको मिलाना है। महल, आप देख रहे हैं महल के सामने महल को मिला देना है। तराजू, तराजू के सामने तराजू। मटका नहीं मिलाना है, मटके का कोई चित्र नहीं दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। NCERT की सभी बुक्स का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।